जय माता दी। सभी माता जी के भक्तों को, सभी सनातनियों को माता रानी का, भगवान का खूब खूब आशीर्वाद प्राप्त हो। मैं आपका सबका मंगल कामना करता हूँ माता रानी से। विद्युदाम समं प्रवाम मृगपतिम स्कंदास्तिताम भेषनाम कन्यावी वरवाल केडबिलसा हस्ताविरा सेविताम हस्ते चक्रगदासि कैडविशिकाम चापं गुणां तरजनी बिभ्राणामनिलात्मिकां सचिदरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। बोल श्री दुर्गा मात की जय। ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए माँ के चरणों में वंदन करते हुए मैं आप सबको इसलिए वीडियो बना रहा था कि बहुत सारे लोगों के कॉल्स मुझे आ रहे थे कि करवा चौथ को लेकर के बहुत सारी कन्फ्यूजन चल रही है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना के डाल दूं। बार बार कितने लोगों को मैं आंसर करूंगा, कितने लोगों के टेक्स्ट मैसेज करूंगा। तो मैं आप सब लोगों को सूचित करता हूं कि यूएसए, आप इंडिया के हिसाब से टाइमिंग पे मत जाइए। आप जहाँ रह रहे हो वहाँ के हिसाब से टाइमिंग देखिए। तो यूएसए में 31 को 11 बजे तक तृतीया तिथि है और 11 बजे के बाद चतुर्थी प्रारंभ हो जाएगी ट्यूसडे को, अक्टूबर 31 को। तो 11 बजे के बाद आपका चतुर्थी का, आपका करवा चौथ का व्रत शुरू, तिथि शुरू हो जाती है। पूरा दिन रहेगी, पूरा रात रहेगी और दूसरे दिन वेनसडे को, नवंबर 1 को 10:49 पे मॉर्निंग, 10:49 AM पे तिथि आपकी चतुर्थी करवा चौथ समाप्त हो जाएगी। तो अब बात यह है कि सब लोग पूजा करते हैं चौथ की। चंद्रमा चौथ का होना चाहिए, पूर्णिमा के समय चंद्रमा की पूजा करें, पूर्णिमा होनी चाहिए उस समय। तो इसी हिसाब से ये कुछ व्रत हैं, उनके विधान होते हैं कि इस विधान से उस व्रत को किया जाए। तो मैं अभी आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप लोग बिना किसी संशय के आप शांतिपूर्वक माँ गौरी भगवती महागणपति भोलेनाथ के चरणों में ध्यान करते हुए कल सुबह करवा चौथ का व्रत करिए। और जो कि आप पूरा दिन व्रत करेंगी, रात को चंद्रमा की पूजा करेंगी तो चौथ का चंद्रमा होगा। तो ये लोग वेनसडे को व्रत करने वाले हैं तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन है कि वो ठीक है। कुछ लोग मानते हैं कि भाई जिस तिथि में सूर्य उदय होता है उस तिथि को पूरा दिन प्रमाण माना जाता है, बट इसमें लिखा गया है कि आप चौथ की पूजा करो। कथा में भी लिखा गया है और ऐसे भी बताया गया है कि चौथ के चंद्रमा की पूजा करो। चौथ में, चौथ तिथि हो उस दिन गौरी की पूजा करो, उस दिन गणपति की पूजा करो और माँ भगवती से प्रार्थना करो कि आपके पति और पुत्र की दीर्घायु हो, आप सदा सौभाग्यवती रहें। इस कामना से मेरे हिसाब से और शास्त्रोक्त विधि के अनुसार आप सभी को कल व्रत करना चाहिए। और मैं माँ भगवती से, माँ गौरी से प्रार्थना करूँगा, आपका मंगल करता हूँ कि आपको भी माँ गौरी, माँ भगवती और विघ्न विनाशक भोलेनाथ, आपको अन्न धन ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, सौभाग्यवती आप लोग रहें। उस भाव से माँ चरणों में वंदन करता हुआ जय माता दी।